नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया आपका समर्थन। चंदा विवाद में भले ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के निशाने पर हों, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आपका समर्थन करते हुए भाजपा पर करारा हमला किया है। दिग्विजय ने एक ट्वीट में आशंका जताई है कि आपको शर्मसार करने के लिए ये भाजपा के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने भाजपा को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चुनौती देकर सही किया है जिन्होंने चेक से 2 करोड़ का चंदा दिया था। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जांच एसआईटी करे। गलत तरीके से चंदा वसूल करने के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस और भाजपा जांच के लिए तैयार हैं तो तीनों पार्टियों को मिलने वाले चंदे की जांच एसआईटी से कराई जाए। आप नेता योगेंद्र यादव ने आवाम द्वारा पार्टी पर 2 करोड़ रुपए का कालाधन लेने के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चंदा लेने के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ लोग भ्रामक माहौल बनाकर आपकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए वह पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक एसआईटी गठित करने की मांग करेंगे। पाकिस्तान का नया दांव, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बनाया परेड का मुख्य अतिथि। भारत के गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुख्य अतिथि बनने के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी सालाना सैन्य परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मुख्य अतिथि बनाया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में सालाना सैन्य परेड 7 साल बाद होने वाली है। पाकिस्तान में इस तरह की परेड अंतिम बार 28 मार्च 2008 में तब हुई थी जब परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को महंगी पड़ी गाली। पुलिस ने फिल्म निर्देशक करण जौहर, अभिनेता अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के खिलाफ एक शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। उस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तीनों ने यहां एक टीवी शो में गंदी और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। इन लोगों पर एक कॉमेडी शो एआईवी नॉकआउट की एक कड़ी के दौरान एक दूसरे और श्रोताओं के खिलाफ गाली गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस कार्यक्रम को यूट्यूब और अन्य वेबसाइट पर पिछले सप्ताह अपलोड किया गया और यह वायरल हो गया है।